नमस्कार, मैं मीनू पांडे आपका डायनेमिक स्टडी में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि किस तरह से हम तैयारी करें, किस तरह से नेट JRF की तैयारी करें, तो देखिए मैं यहाँ पे आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी तैयारी हो वो बहुत ही अच्छे से करिए, बहुत ही मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइफ में सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और कभी भी उसके पीछे भागिएगा भी मत। मैं यही कहना चाहूँगी, आप क्या है कि अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके नोट्स बनाइए, आप उसको पढ़िए, जहाँ से भी आपको सोर्स मिलते हैं, जितने भी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको एकदम से क्लियर करिए। आप उसको क्या करिए कि आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हैं, संडे के दिन क्या करिए, आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़िए, आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा है सिर्फ उसका रिविज़न करिए। क्योंकि ऐसा जब आप कंटिन्यू करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, नए नए जो है क्वेश्चंस को, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो आप जब प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे पता चलेगा कि पेपर किस तरह से आता है, कैसे बनाया जाता है। उसके बाद क्या है कि जब आप उसे समझ जाइए तो फिर जो भी टॉपिक पढ़िए आप ये देखिए कि उसमें कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पूछा जाता है। यहाँ पे तो मैं आपको जितना, मतलब मैं जितना आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं जितना आपको, और मैं सोचती भी हूँ कि कितना ज़्यादा मैं आपको मटेरियल दे सकूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से भी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे भी इनफ ना हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं आपको पूरा परफेक्ट मटेरियल देती हूँ, बट आपको अगर कहीं से भी जितना भी सोर्स मिल रहा है, बुक से, कहीं से भी, अदर प्लेसेस से, तो आप प्लीज़ उसे लीजिए, प्लीज़ पढ़िए और हार्ड वर्क करिए, मन से पढ़िए, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िए, पक्का है आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और अगर ये बताएं तो मैं कोई वो नहीं हूँ कि आपको मैं कोई मंत्र नहीं दे सकती कि नहीं ऐसे ही करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या हुआ, असफलता मिली तो, लेकिन हमें सफल होने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपने ये भी कहा था कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि मैं आपके होम साइंस की टीचर हूँ, आप लोगों को होम साइंस पढ़ाती हूँ, और मुझसे जितना हो सकेगा, जो हाँ जो मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा मटेरियल दे सकूँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी। और मैं हमेशा विश करूँगी कि जो भी हो आप जितनी, मतलब भगवान करे आपके जीवन में बहुत जल्दी सफलता आ जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लें। और अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आपका, आपको सफलता ज़रूर मिले। और मेरी विश है ये कि आप लोगों को सफलता ज़रूर मिले, और भगवान जाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस हार्ड वर्क करिए, क्योंकि इसको छोड़ के कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, हो गया, आज कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई, बट कोई नहीं, चलिए हम वीडियो को फिर से, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को टेक्सटाइल में वूल के बारे में पढ़ाऊंगी, ऊन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ऊन है वो आपका प्राणिज रेशा है। ये क्या होता है, और प्राणिज रेशा के साथ साथ ये आपका स्टेपल रेशा है, क्योंकि ऊन के जो रेशे होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जो ऊन है वो आपका, मैंने आपको बताया कि एक प्राकृतिक रेशा है, और प्राकृतिक रेशा है, और इसमें क्या होता है कि इनमें प्रोटीन रहता है। जो ऊन हमको प्राप्त होता है, क्योंकि आपको पता है, इतना तो आपको सबको पता ही होगा कि जो ऊन हमें प्राप्त होता है वो हमें भेड़ों से प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि उसमें, उससे, उसमें प्रोटीन रहता है, तो इसे हम प्रोटीन युक्त रेशा भी कह सकते हैं। वैसे जब अभी हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे तो रेशम में भी क्या होता है कि प्रोटीन युक्त रेशम उसे कहा जाता है, उसमें तो कई अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो जब हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर आपको उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा ऊन के इतिहास को देख लें तो ऊन का भी इतिहास क्या है कि पुराना है। मतलब इसके जो रोए होते, मतलब पहली बात तो ये जो रेशा होता है, मैं आपको बता दूं कि ये फुज्जीदार टाइप का होता है। मतलब आपने भी ऊन को अगर देखा होगा तो आप देखेंगे कि खुरदुरे टाइप के रहते हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं रहते। लेकिन अब जैसे किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने के लिए, तो मैं जल्दी ही आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि आजकल जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उसमें क्या होता है कि ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि हमारे कंफर्टेबल के लिए, मतलब ऐसे
नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे वस्त्र का निर्माण किया जाता है जो कि हम जैसे मान लीजिए कि रात में हमने अभी हमने कपड़ा जैसे मान लीजिए हम कहीं पार्टी में गए, बहुत जो है अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ऑब्वियसली बात है पार्टी में जाएंगे तो अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे, वहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी खाने की चीज़ हमारे कपड़े पे गिर गई, तो वैसे नॉर्मल जो आपका कपड़ा रहेगा, ये मैं बस आपको बहुत शॉर्ट वे में बता रही हूँ, तो ऐसे मान लीजिए हम कोई तो उस पर तुरंत दाग लग जाएगा या फिर तुरंत वो भीग जाएगा, हमें तुरंत क्या पड़ेगा कि हम वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे या फिर हो सकता है कि हम वहाँ से हट जाए, हम तुरंत उसको धुलेंगे, मतलब हम पार्टी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट जो अगर मान लीजिए आप नैनो टेक्नोलॉजी से बने कपड़े पहन रहे हैं तो वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गई, कॉफ़ी गिर गया, कोई भी फूड प्रोडक्ट आपके उस पर फूड गिर गया, तो आप क्या है कि तुरंत उसे अगर हैंकी से या फिर उससे आप उसे पोंछ लेंगे तो वो तुरंत साफ़ हो जाएगा, उस पर कोई भी क्या होगा कि दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं और वो तुरंत वो क्या होता है कि पसीना रोधक होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने वर्कआउट किया, हम जब वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी से कितने ज़्यादा जो है पसीने निकलते हैं और उससे क्या होता है कि जो हमारा कपड़ा होता है वो स्मेल करने लगता है। लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कपड़े बनाए जाते हैं, जब आप उनको पहन के क्या करते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो कोई भी बदबू, कोई भी मतलब किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते कि ये बंदा क्या है कि वर्कआउट करके आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप कहीं पर भी जाके किसी के सामने कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के कपड़े में, तो वो क्या है कि वैसे ही क्या है कि आजकल उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे मान लीजिए आप ये सोचें कि कुछ ऊन भी तो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वो भी मुलायम होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो आपके रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपका प्राकृतिक ऊन होता है वो आपका पुज्जीदार होता है, खुरदुरा होता है, छूने में वो सॉफ्ट हमें नहीं लगता है। फिर आते हैं हम देख लेते हैं कि पहले क्या था, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब पहले के लोग क्या थे कि भेड़ों को इन सबको मार के खा जाते थे, लेकिन देखिए जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसने सोचा, उसने क्या है पहले वो कच्चा भोजन खाता था, फिर उसने पका के खाना शुरू किया, पहले वो क्या है कि बिना कपड़ों के टहलता था, फिर उसने पत्तियों से कपड़े बना के पहनना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वो हर एक फील्ड में हुआ, वैसे ही मानव ने सारी चीज़ों के बारे में जाना। उसी प्रकार से क्या है कि जब उन्हें ये महसूस हुआ कि भेड़ क्या हुआ कि उन्होंने क्या महसूस किया कि जो जानवर हैं उनके जो रेशे हैं, जब वो जानवर मतलब एक ऐसे ही एक कहानी है कि क्या था कि जब जितने भी मानव थे प्राचीन समय में, जब क्या था कि विकास नहीं हुआ था, कह लीजिए पूरा पाषाण काल उस समय में, नौ पाषाण काल से पहले, तो उसमें क्या था कि मानव जब जो है भेड़ों को देखा और भेड़ों से चिपके, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी उनके चिपकने से क्या हुआ कि उन्हें गर्मी महसूस हुई। जब उन्हें वो गर्मी महसूस हुई तो उन्हें लगा कि ये गर्मी हमें कहाँ से मिल रही है, फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो बाल थे ये बहुत ही जो है बाल थे उसके द्वारा उन्हें वो गर्मी मिल रही है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे उन्हें लगा कि हाँ इनके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि रेशों को बनाया जा सकता है। फिर क्या था कि आप यूरोप में 13वीं शताब्दी में जो आपका मेरिनो नामक भेड़ होता है उसको क्या था कि सबसे सर्वोत्तम वूल माना जाता है, आपका मेरिनो से निर्मित जो वूल होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है और यह वूल वहाँ पाई जाने वाली मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त किया जाता है। और आजकल इस किस्म का ऊन प्रायः जिन क्षेत्रों में मेरिनो जात के भेड़ मिलते हैं वहीं पर तैयार किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पश्मीना की शॉल बहुत ही महंगी होती है और ओरिजिनल हमें मिलती नहीं है, तो ऐसे ही क्या थे कि कुछ विशेष प्राणी थे जिनसे क्या थे कि विशेष तरह के ऊन बनते थे जो कि बहुत ही आरामदायक रहते थे और बहुत ही गर्मी प्रदान करते थे। मैं यहाँ पे फिर अब जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे अब क्या हो गया है कि जैसे
आपने आपने देखा होगा कि पहले क्या था कि मोटे मोटे से हम लोग ठंडी में मोटे मोटे से स्वेटर मोटे मोटे से जैकेट एकदम से पहन लेते थे। बट आज क्या है कि आप एक पतली सी टी शर्ट पहने हो, आपने पतला सा जैकेट डाला हुआ है और आपको ठंडी नहीं लग रही। ये भी क्या है, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी ही है कि क्या किया गया है कि उसके माध्यम से उसका इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि आप जो है कंफर्टेबली उसे पहन सकते हैं और आप आराम उसे क्या कर सकते हैं कि आप ठंडी के मौसम में भी क्या है कि उतने भारी भरकम कपड़े क्यों नहीं पहन भारी भरकम कपड़े से बच सकते हैं। तो देखिए फिर जैसे आजकल क्या है कि भारत में, देखिए भारत में भी क्या किया गया कि मुगल काल में, भारत में मुगल काल में क्या हुआ कि जो है ऊन का ऊन को लेके लोगों में उत्सुकता जगी और मुगल कालीन लोगों को जो है देखिए वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड भी, क्योंकि जो कारीगरी वगैरह होती थी वो उनके समय में बहुत ज़्यादा होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डे बाय डे इसका विकास हुआ। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ऊन का तंतु कुछ प्राणियों के प्राकृतिक बालों की वृद्धि के जिनमें प्रोटीन रहता है फिर है ऊन की प्राप्ति के साधन। तो कुछ प्रकार के ऊन घोड़े ऊंट खरगोश हिरण बकरी व लोमड़ी इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं। मेरिनो जात की भेड़ से प्राप्त ऊन सर्वोत्तम माना जाता है। विश्व की सबसे कीमती ऊन विक्यूना नामक पशु के खाल से प्राप्त होता है। तो ये भी आपके आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे कीमती आपकी सबसे कॉस्टली जो आपका ऊन हो जो आपकी ऊन होती है वो विक्यूना नामक पशु से प्राप्त की जाती है। तो ये आपका क्या था कि ऊन के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या किया गया कि ऊन का उल्लेख किया गया है, मतलब किस किस जानवरों के माध्यम से ये ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीरी बकरी। तो कश्मीरी बकरी में क्या होता है कि यह बकरी विश्व की उत्तरी पश्चिमी भाग व चीन में पाई जाती है और इस बकरी से प्राप्त ऊन के तंतुओं की दो परतें होती हैं। ऊपरी परत के जो तंतु होते हैं वो खुरदुरे और सख्त किस्म के होते हैं, लेकिन जो आपके निचले निचले तंतु परत के तंतु होते हैं वो कोमल व चिकने होते हैं, जिनकी व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना के नाम से जानते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो पश्मीना की शॉल मिलती है वो आपके कश्मीर में मिलती है, वो बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही जो है बहुत ही अच्छी बताई जाती है और कहा जाता है कि बहुत ही मतलब उसको ओढ़ने पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। तो क्या है कि जो पश्मीना की शॉल होती है वो भेड़ की जो आपकी कश्मीरी भेड़ होती है उसके ऊपरी परत के जो बाल होते हैं उससे नहीं बनाए जाते, जो उसके नीचे परत की बाल होती है जो उसके निचले परत के बाल होते हैं उससे बनाए जाते हैं। फिर आपका क्या होता है कि अंगोरा बकरी, दूसरा आपका क्या होता है अंगोरा बकरी। तो ये आपके टर्की में जो है इस प्रकार की बकरियां मिलती हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती हैं और इससे भी अच्छे ऊन पाए जाते हैं। फिर अंगोरा खरगोश होता है, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि अंगोरा खरगोश से प्राप्त तंतु कोमल तथा रेशम की भांति चमकदार होते हैं। ये ऊन क्या होते हैं कि शुद्ध उज्ज्वल होते हैं, इससे तैयार किए गए सूत से स्वेटर व बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बने होते हैं। अब देखिए मुझे आपको चाइल्ड साइकोलॉजी भी सॉरी आपका चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना है, तो जल्दी मैं उसे भी करूँगी एंड आपका होम मैनेजमेंट भी मैं जल्दी से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के कपड़े जो बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और वो क्या होते हैं कि उनके ताकि उन क्योंकि उनका जो चमड़ा होता है जो उनकी त्वचा होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उस पर सॉफ्ट कपड़े ही क्या किए जाते हैं उन्हें पहनाए जाते हैं। फिर आपका आता है अल्पाका। तो जो आपका अल्पाका होता है वो क्या होता है कि जो आपका अल्पाका होता है ये छोटे कद के जो जानवर होते हैं उनसे प्राप्त होता है और इससे जो प्राप्त तंतु होते हैं वो 12 इंच लंबे होते हैं और इसका प्रयोग पॉयल बुनाई के निर्मित वस्त्रों में किया जाता है। फिर आपका आता है लामा। तो लामा इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घने होते हैं और इस ऊन का रंग धुंधलापन लिए पीला होता है। ऊपरी तक के तंतु घने व भारी होते हैं तथा अंदर के तंतु कोमल व रेशम की भांति मुलायम होते हैं। फिर आपका आता है ऊँट आता है।
तो जो ऊंट होता है, जो उससे ऊन प्राप्त किए जाते हैं, वो कोमल व चमकीले होते हैं। और ये क्या किया जाता है कि जो ऊंट के गर्दन व पेट के भागों से इसे प्राप्त किया जाता है, जबकि ऊंट के अन्य शरीर के हिस्सों से प्राप्त जो ऊन होता है वो बहुत ही घटिया किस्म का होता है। उससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है, उससे आपकी ये जो कंबल, जो आपकी रस्सियां होती हैं, दरी होती हैं, उनसे क्या किया जाता है कि ये सब बनाया जाता है। मतलब जो ऊंट का, मान लीजिए पूछ लिया गया कि ऊंट के किस भाग से हमें सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है, तो वो उनके गर्दन और उनके पेट के भाग से प्राप्त होती हैं। अब हम देखेंगे कि ऊन का वर्गीकरण। तो जो ऊन का वर्गीकरण है वो क्या है कि ऊन का जो ऊन के रेशों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो ये जो है, देखिए, जितने भी हमने भेड़ों की बात की, सभी से क्या होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं। भेड़ों के अतिरिक्त कई और अन्य जानवर भी होते हैं जिनसे क्या होता है कि कुछ मात्रा में हम ऊन को प्राप्त करते हैं। और भेड़ों की अनेक ऐसी जातियां भी होती हैं जिनसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे मेरीनो क्या है कि एक भेड़ की जाति ही है, और उससे जो प्राप्त ऊन होता है वो अच्छे किस्म का माना जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेमने का ऊन। तो जो भेड़ का बच्चा होता है, जिसे हम मेमना कहते हैं, हम जैसे हम लैम इंग्लिश में लैम्ब बोलते हैं, ये सॉरी, तो ये क्या होता है कि 6 से 9 माह की उम्र हो जाने पर उसके शरीर पर ऊन उतारी जाती है, उसे मेमने का ऊन कहा जाता है। यह ऊन सर्वोत्तम प्रकार की होती है, और इससे क्या होता है कि बहुत मुलायम और गर्म वस्त्र बनते हैं। और इसमें क्या होती है कि इस ऊन से बने वस्त्र में मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद आपका आपका हम देखते हैं कि होगेट ऊन। होगेट ऊन जो आपका होता है, ये उन भेड़ों की, देखिए, जब भेड़ों की अवस्था 12 से 14 माह की होती है, अर्थात मतलब जब भेड़ अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी होती है, तब यह ऊन निकाली जाती है। चूंकि यह परिपक्व मतलब क्या होता है कि परिपक्व अवस्था में काटी जाती है, अतः मजबूती की दृष्टि से यह ऊन क्या होता है कि बढ़िया माना जाता है। फिर आपका आता है विदर ऊन। देखते हैं विदर ऊन क्या होता है। तो जो आपका ये विदर ऊन होता है, ये भेड़ के शरीर पर से एक बार ऊन को काटे जाने के बाद जब दोबारा ऊन काटा जाता है, तब उस ऊन को हम विदर ऊन कहते हैं। मतलब एक बार तो हमने उस भेड़ से ऊन काट लिया, लेकिन जब सेकेंड टाइम हम फिर से ऊन उनके बाल बढ़ जाते हैं और हम काटते हैं, तो उसे विदर ऊन कहा जाता है। और इस समय क्या होती है कि भेड़ जो होता है वो 14 महीने का हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम सेकेंड टाइम उसके बाल काटते हैं, तो उससे जो हमें ऊन प्राप्त होता है वो बहुत ही मटमैला और गंदे किस्म का होता है। फिर होता है कि खींची गई ऊन। खींची गई ऊन में क्या होता है कि जिन भेड़ों का पालन पोषण केवल उन्हें मार कर खाने के लिए होता है, उन्हें हम क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थों को लगाकर उनके शरीर से हम बाल खींच लेते हैं। इस प्रकार के क्या जो ऊन होते हैं वो बहुत ही अच्छी श्रेणी के नहीं माने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके उनमें जो कमियाँ होती हैं उनको दूर कर लिया जाता है। फिर होता है कुट्टी ऊन। ये उस प्रकार के ऊन होते हैं जो भेड़े विपरीत जलवायु तथा परिस्थितियों में पलते हैं, उनके भोजन पर पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता, तो उनके शरीर के बाल उलझे, मतलब क्या होते हैं कि उनको बहुत अच्छे से पालन पोषण नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं उनके जो बाल होते हैं, जैसे कुट्टी नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कड़क, मतलब सख्त टाइप का जो होता है। और इससे जो बस ऊन मिलता है उससे कपड़े, मतलब जो आपके मुलायम वस्त्र नहीं बनते, जैसे आपके नमदा होते हैं, दरी होती है, कंबल, ये सारी बनाई जाती हैं। फिर होता है मृत ऊन। तो मृत ऊन में क्या होता है, जो आपका मृत ऊन होता है उसमें क्या होता है कि भेड़ों को अपने भेड़ों की अपने आप, अथवा अगर मान लीजिए भेड़ है उसकी किसी बीमारी से या अचानक से जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तब उनके शरीर से क्या किया जाता है कि बाल को निकाल लिया जाता है। और इस श्रेणी के भी जो ऊन होते हैं वो अच्छी श्रेणी के नहीं माने जाते हैं। फिर आपका आता है टैगलॉग ऊन। तो ये भी ऊन आपका जो है निम्नतम वर्ग का माना जाता है। कार्पेट ऊन आता है, यह भी ऊन क्या होता है कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि ये भी वही दरी, कालीन और जो आपकी रस्सियाँ वगैरह जो बनती हैं उन 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 इनके माध्यम से वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने पूरा ये देख लिया कि ऊन का किस प्रकार से, ऊनी रेशों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऊन को ही कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खूब पढ़िए।